हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेनली बिगनर्स के लिए होने वाला है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हो और आप शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ बेसिक्स बताए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जान लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। देखो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप जिस शेयर को खरीदते हो तो उस शेयर को आपको एक ही दिन के अंदर यानी सेम डे में आपको सेल करना पड़ता है। आप सिर्फ उसको एक दिन के लिए होल्ड रख सकते हैं। अब इसमें आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस, आपको इससे सेम डे ही बेचना होता है। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 बजे ओपन होता है और 3:30 बजे बंद होता है, तो उसके बीच में ये आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती है और उसके बीच में ही आपको अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करना होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको मेजर फायदा ये होता है कि अगर आप किसी भी शेयर को इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए बाय या सेल करते हैं तो आपको यहाँ पे 5% तक का मार्जिन मिलता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाटा मोटर का शेयर है। टाटा मोटर का अगर एक शेयर मैं बाय करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1064 का एक शेयर हमें मिल रहा है। लेकिन इसी शेयर को अगर मैं इंट्राडे में बाय करना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमें 214 रुपए में मिल रहा है, यानी 5 गुना कम रेट में मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मार्जिन है मेरे को 5 गुना कम मिलेगा, यानी कि जो शेयर मेरे को 1064 में मिल रहा था वही शेयर मुझे 214 में मिल जाएगा। दोस्तों, अब एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग करनी कैसे है। पर ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, यहाँ पे मैं HFCL में इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने HFCL स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों, ये कंपनी टेलीकॉम सर्विस के सेक्टर में काम करती है। अब आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे पहले ये जो बाय नाउ का बटन है आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाय नाउ का बटन है, इस पर हमने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। इसमें डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट हो रखा है। तो अगर डिलीवरी में खरीदते हो तो आप इसको एक दिन, एक महीना, एक साल, 5 साल, 10 साल, जितना आप चाहो इस शेयर को होल्ड कर सकते हो। पर हमें इंट्राडे में बाय करना है तो यहाँ एक ऑप्शन दे रखा है क्वांटिटी NSE और एक ऑप्शन है प्राइस मार्केट। तो आपको शेयर बाय करने के लिए सबसे पहले क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो आपको जितनी क्वांटिटी लेनी है उतनी आप यहाँ पे डाल सकते हो, 100, 50, 10, 5। तो मैं यहाँ पे 3 क्वांटिटी सेलेक्ट करता हूँ। अब दोस्तों, आपको प्राइस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आप यहाँ अपनी प्राइस डाल सकते हैं जिस प्राइस पे आपको बाय करना है। तो आप जो भी प्राइस यहाँ डालेंगे तो उस प्राइस पे आने पे ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। और अगर आपको मार्केट प्राइस में ही बाय करना है तो आप इसे मार्केट प्राइस पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने शेयर को खरीद लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 क्वांटिटी ली है और यहाँ पे मैंने 121 की प्राइस सेलेक्ट की है, पर ये थोड़ा नीचे जा रहा है तो मैं 120.90 की प्राइस डाल देता हूँ। तो जैसे ही 120.90 पे आएगा तो ये मेरा शेयर ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 120 पे स्टॉप लॉस सेट कर देता हूँ। यहाँ पे 90 पैसे का स्टॉप लॉस हम झेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे जैसे ही बाय नाउ बटन पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा शेयर यहाँ पे बाय हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बाय पे क्लिक कर दिया तो ये शेयर जैसे ही इस प्राइस लिमिट पे आएगा तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्राइस लिमिट मैंने लगाया था 120.90 का और ये 120.95 चल रहा है, यानी कि मेरा ये शेयर यहाँ बाय हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ मैंने 2 शेयर्स को खरीद रखा है। पहला तो श्री रेणुका सुगर्स और सेकेंड HFCL। यहाँ पे मैंने 2 कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं रेणुका शुगर में मेरे 80 रुपए से भी ऊपर का प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो टारगेट है, मैं 100 रुपए से ऊपर का यहाँ पे प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाऊंगा। नाउ दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर शेयर की प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ चुका है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ऐड स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे मैं जिस प्राइस पे इसको सेल करना चाहता हूँ वो प्राइस डाल देता हूँ।
और अगर उस प्राइस को ये टच करता है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा शेयर जो है सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 120.90 पे इसे ख़रीदा था, तो मान लो अब हम इसे 121.50 पे एग्जिट करना है, तो ये प्राइस हम डाल देंगे और जैसे ही ये शेयर इस प्राइस को टच करेगा ये ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।